डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन ब्रिज। आज हम लोग देखेंगे एंगल 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 समरूपता प्रमेय। एंगल 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 समरूपता प्रमेय का कथन आपको बतलाता है, यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण समान हो तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी और इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। इट मीन्स दैट If two triangles have equal angles, then their corresponding sides are proportional, and therefore both triangles are similar. इसका मतलब कि दो त्रिभुज दिए गए हैं, उनके संगत कोण समान हैं। Means त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF दिए गए हैं, जिसमें कोण ए बराबर है कोण डी के, कोण बी बराबर है कोण ई के और कोण सी बराबर है कोण एफ के। हमें साबित करना है त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ समरूप होंगे। जैसा कि समरूपता की परिभाषा से हम जानते हैं कि दो त्रिभुज समरूप कहलाते हैं यदि उनके संगत कोण समान हो और उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि दोनों त्रिभुजों के संगत कोण समान हैं, तो उसके बाद हमें दिखाना होगा कि उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। अगर हम यह दिखा दें कि संगत भुजाएं समानुपाती हैं, तब तो समरूपता की परिभाषा से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो देखते हैं विशेष प्रतिज्ञा। विशेष प्रतिज्ञा, विशेष प्रतिज्ञा मीन्स प्रमेय के कथन को चित्र के माध्यम से व्यक्त करना, यानी प्रमेय के कथन में जो कुछ भी दिया गया है उसको लिखना। जनरली हम इसे लिख देते हैं गिवन दिया है, यहाँ हम लिख रहे हैं विशेष प्रतिज्ञा। माना कि त्रिभुज ए बी से और त्रिभुज डी ई एफ में कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई और कोण सी बराबर कोण एफ। मीन्स दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस। इसको हम ले लेते हैं फिगर वन और इसको लेते हैं फिगर टू। तो फिगर दो में एंगल ए एंगल डी के बराबर, एंगल बी एंगल ई के बराबर और एंगल सी एंगल एफ के बराबर। यहाँ दो फिगर लेने का मेन मकसद है कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज टी ई एफ डिफरेंट साइज के हो सकते हैं। मीन्स त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ के साइज समान हो सकते हैं, त्रिभुज ए बी सी का साइज त्रिभुज डी ई एफ के साइज से स्मॉलर हो सकता है, त्रिभुज ए बी सी का साइज त्रिभुज डी ई एफ के साइज से बड़ा हो सकता है। तो तीन कंडीशंस होंगे, साइज इक्वल हो, इसका साइज इसके साइज से स्मॉलर हो और इसका साइज इसके साइज से ग्रेटर हो। हम यहाँ केवल दो केसेस को लेंगे क्योंकि दूसरा केस जब साबित होगा तो उसी तरह से तीसरा केस भी हम साबित कर सकते हैं, इसलिए हम केवल दो फिगर पर चर्चा करेंगे। तो जैसा कि हमने कहा कि त्रिभुज ए बी सी का साइज त्रिभुज डी ई एफ के साइज के इक्वल हो, त्रिभुज ए बी सी का साइज त्रिभुज डी ई एफ के साइज से स्मॉलर हो। यहाँ हम केवल इनकी दो भुजाओं पर विचार करते हैं क्योंकि दो भुजाएं हम ले लेते हैं, यानी त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए बी और त्रिभुज डी ई एफ की भुजा डी ले लेते हैं, तो इन दो भुजाओं से ही बाकी भुजाओं का प्रतिनिधित्व हो जाएगा। साबित करना है त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज डी ई एफ के। परमार, त्रिभुज ए बी सी
और त्रिभुज डी ई एफ की भुजाओं ए बी और डी ई के लिए निम्नलिखित तीन संभावनाएं होंगी। पहली संभावना ए बी बराबर डी के, दूसरी संभावना ए बी स्मॉलर देन डी के, और तीसरी संभावना ए बी ग्रेटर देन डी के। यानी त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी एफ की भुजाओं ए बी और डी के लिए तीन संभावनाएं होंगी, ए बी बराबर डी, ए बी स्मॉलर देन डी एंड ए बी ग्रेटर देन डी ए। हालांकि हम लोग यहाँ इन डिटेल्स देख रहे हैं, बट याद रखें कि अगर एग्जामिनेशन में या प्रमेय आपसे पूछा जाता है कि सिद्ध करें कि यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण समान हो और उनकी तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं और इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, अथवा आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि सिद्ध करें कि समानकोणिक त्रिभुज समरूप होते हैं, तो यहाँ संगत कोण समान होने का मतलब हुआ कि दोनों त्रिभुज समानकोणिक होंगे, यानी समानकोणिक त्रिभुज समरूप होते हैं। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाए कि सिद्ध करें कि समानकोणिक त्रिभुज समरूप होते हैं, अथवा इस पूरे स्टेटमेंट के साथ यह प्रमेय आपसे पूछा जाता है, तो आपको तीनों केसेस दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं, आप केवल केस दो ले लेंगे अथवा केस तीन ले लेंगे, ए बी स्मॉलर डी अथवा ए बी ग्रेटर देन डी लेकर के आप प्रमेय को साबित कर देंगे, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में समय का महत्व होता है और इन डिटेल्स देना कोई अनिवार्य नहीं है, क्योंकि मेन मकसद होता है कि आप थ्योरम समझ रहे हैं कि नहीं, आप उसको प्रमाणित करने में सक्षम हैं कि नहीं। तो अगर एक केस लेकर आप साबित कर देते हैं, इसका मतलब हुआ कि आप प्रमेय को साबित करने में सक्षम हैं और आप फुल मार्क्स के अधिकारी होंगे। तो यहाँ हम एक एक करके देखते हैं। केस वन, जब ए बी बराबर डी ई, जब ए बी डी ई के बराबर हो, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में कोण ए बराबर कोण डी मालूम है, दिया है, ज्ञात है। ए बी बराबर डी ई ज्ञात है, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि ए बी डी ई के बराबर है। कोण बी बराबर कोण ई यह भी दिया है, इसलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वागसम होगा त्रिभुज डी ई एफ के बाय ए एस ए एंगल साइड एंगल। नाइन्थ क्लास में पढ़ा आपने, दो त्रिभुज सर्वागसम होते हैं यदि और केवल यदि एक त्रिभुज के दो कोण और उनकी अंतरित भुजा दूसरे त्रिभुज के तन्नुरूपी दो कोणों और उनकी अंतरित भुजा के बराबर हों। तो यहाँ देख रहे हैं कि एंगल ए एंगल डी के बराबर है, ए बी भुजा डी के बराबर है, कोण बी कोण ई के बराबर है, तो ए एस ए से यानी एंगल साइड एंगल सर्वागसमता कसौटी से दोनों त्रिभुज सर्वागसम होंगे, और जब दोनों त्रिभुज सर्वागसम होंगे तब तो इसके संगत भाग बराबर होंगे, इसलिए ए बी बराबर डी ई, बी सी बराबर ई एफ, ए सी बराबर डी एफ, सीपीसीटी। यानी सर्वागसम त्रिभुजों के संगत भाग, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्गेचुएंट ट्राइंगल्स,
और जब ये बराबर होंगे तो ए बी बाई डी ई, जब ए बी डी के बराबर हो तो ए बी बाई डी वन हो जाएगा, बी सी बाई एफ वन हो जाएगा, ए सी बाई डी एफ वन हो जाएगा, यानी तीनों बराबर हो जाएंगे क्योंकि प्रत्येक वन के बराबर होगा। ए बी बाई डी इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ इज इक्वल टू वन। तो संगत भुजाएं समानुपाती हो गई, और जब संगत भुजाएं समानुपाती हो गई तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज डी ई एफ के। इसके बाद हम देखते हैं केस दो, जब ए बी स्मॉलर देन डी ई हो। केस दो, जब ए बी स्मॉलर देन डी ई, यानी फिगर दो। फिगर दो में आ जाएंगे, जब ए बी स्मॉलर देन डी, रचना डी और डी एफ पर डी ई और डी एफ पर क्रमशः एम और एन बिंदुएं इस प्रकार लिया के ए बी बराबर डी एम और ए सी बराबर डी एन तथा एम एन को मिलाया, त्रिभुज डी एफ में डी और ये पर क्रमशः एम और एन बिंदु इस तरह से लिया कि ए बी डी एम के बराबर हो और ए सी डी एन के बराबर हो। इट मीन्स दैट दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस। प्रमाण, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी एम एन, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी एम एन में ए बी बराबर डी एम रचना से बाय कंस्ट्रक्शन एंगल ए बराबर एंगल डी ज्ञात है, मीन्स दिया है। ए सी बराबर डी एन ज्ञात, इसलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वागसम होगा त्रिभुज डी एम एन के बाय एस ए एस, साइड एंगल साइड सर्वागसमता कसौटी। क्योंकि नाइन्थ क्लास में आपने पढ़ा था कि दो त्रिभुज सर्वागसम होते हैं यदि और केवल यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं तथा उनके अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज के तदनुरूपी दो भुजाओं तथा उनके अंतर्गत कोण के बराबर हों। तो साइड एंगल साइड सर्वागसमता कसौटी से ये दोनों त्रिभुज सर्वागसम होंगे, इसलिए कोण बी बराबर हो जाएगा कोण एम के, मीन्स दिस इज इक्वल टू दिस। सिंपलिसिटी, सर्वागसम त्रिभुजों के संगत भाग। लेकिन
कोण बी बराबर कोण ई ज्ञात है, कोण बी बराबर कोण ई ज्ञात है, दिया हुआ है। तो कोण बी बराबर एम के और कोण बी बराबर ई के, इसका मतलब ये दोनों बराबर, मीन्स एल एच एस सेम है तो आर एच एस इक्वल होगा, कोण एम बराबर कोण ई, यानी यह कोण इसके बराबर है। लेकिन ये संगत कोणों के युग्म है, लेकिन ये संगत कोणों के युग्म है, इसलिए एम एन समानांतर ई एफ संगत कोण अभिगृहित के विलोम से, संगत कोण अभिगृहित के विलोम से एम एन समानांतर ई एफ। एम एन ई एफ के समानांतर है तो फिर थेल्स पर में अप्लाई कर लेते हैं। हमने साबित कर दिया कि एम एन पैरल ई एफ एम एन ई एफ के समानांतर है, इसलिए त्रिभुज डी ई एफ में डी एम बाय एम ई इज इक्वल टू डी एन बाय एन एफ थेल्स प्रमेय से। जैसा कि हम जानते हैं कि थेल्स प्रमेय के अनुसार किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, तो हमने दिखा दिया कि एम एन एफ के समानांतर है, तब तो एम एन अन्य दो भुजाओं डी और एफ को समान अनुपात में विभाजित करेगी, मीन्स दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस, यानी डी एम बाई एम ए इज इक्वल टू डी एन बाई एन एफ। हम इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, यानी व्युत्क्रम एम ई बाई डी एम, तो इसका भी रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा एन एफ बाई डी एन। इसके बाद दोनों तरफ हम एक जोड़ने का प्रयास करते हैं, एम ई बाई डी एम प्लस वन एन एफ बाई डी एन प्लस वन। स्पष्ट है कि एलसीएम डीएम होगा, एम ई प्लस डीएम डीएन, डीएन में डीएन से डिवाइड करके वन आएगा, वन से एनएफ में मल्टीप्लाई करेंगे एनएफ प्लस, यहां डिनोमिनेटर एक है डिवाइड करेंगे डीएन, डीएन से वन में मल्टीप्लाई करेंगे डीएन। एम ई प्लस डीएम एम ई प्लस डी एम यानी दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस यानी डी ई डिवाइडेड बाय डी एम, और एन एफ प्लस डी एन डी एफ दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस, ये हो जाएगा आपको डी एफ डिवाइडेड बाय डी एन। फिर इसका हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं, डी एम बाई डी ए इज इक्वल टू डी एफ बाई डी एन, यानी डी एम बाई डी इज इक्वल टू डी एन बाई डी एफ। इस परिणाम के लिए इतना गेम जो हमने खेला शायद आपको परेशानी हो रही है, लेकिन अगर समझ गए हैं तो कोई परेशानी नहीं, और मुझे खुशी होगी अगर आप मेरे विषय वस्तु को समझ रहे हो। लेकिन आप एग्जामिनेशन हॉल में यदि यह थ्योरम आपसे पूछा गया है तो आप चाहें तो बीच में इतना स्टेप गैप कर सकते हैं,
आप सीधे लिख सकते हैं थेल्स प्रमेय के ऊपर में, जैसे साबित हो जाए एमएन समानांतर ही है, तो इतना गेम ना खेल करके आप सीधे लिख दें डीएम बाई डी इज इक्वल टू डीएफ बाई डीएन, और लिख देंगे थेल्स प्रमेय के ऊपर में से, तो आप इतना लिखने से वंचित हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल जानकारी के लिए हमने सोचा कि आपको इन डिटेल से दिखाएं तो बेहतर रहेगा, उम्मीद है आप पसंद करेंगे। तो dm by de इज इक्वल टू dn by df by dn, यानी dm by de इसका रेसिप्रोकल, माफ कीजिएगा इसका भी तो रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, ये हो जाएगा dn by df। तो dm by de ये हो गया dn by df, यानी this by this। तो हम लिख सकते हैं dm के स्थान पर ab, और dn के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ab बराबर dm तथा ac बराबर dn रचना से, तो dm के लिए ab और dn के लिए ac, इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रकार साबित किया जा सकता है कि AB by DE इज इक्वल टू BC by EF। समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 और 2 की जब हम तुलना करेंगे कंपेयर करेंगे तो देख रहे हैं कि AB by DE AC by DF के बराबर है और AB by DE BC by EF के बराबर है। It means that this is equal to this and this is equal to this। AB by DE इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ, ए बी बाई डी इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ, और जब संगत भुजाएं समानुपाती हो गई तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज डी ई एफ के। केस 3, जब ए बी ग्रेटर देन डी ई, जब ए बी डी से बड़ा होगा, तो जिस तरह से इस कंडीशन में केस 2 में हमने एम और एन बिंदु लिया था ए बी और डी ई पर, तो इस परिस्थिति में वे बिंदु हम ए बी और ए सी पर लेंगे, और बिल्कुल इसी तरह से बाय सेम प्रोसेस हम दिखा देंगे त्रिभुज ए बी से समरूप होगा त्रिभुज डी ई एफ के। जब ए बी ग्रेटर देन डी तो केस 2 की तरह साबित किया जा सकता है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ, यही साबित करना था। शायद आप घबरा रहे होंगे कि एक प्रमेय को साबित करने में इतना लंबा प्रोसेस हो तो एग्जाम में कैसे लिखाएगा, ज्यादा समय लगेगा। विद्यार्थियों को हम सुझाव देना चाहेंगे कि आप घबराएंगे नहीं, एग्जाम में पहले भी मैंने बताया अगर एग्जाम में इस तरह से प्रश्न आता है तो आपको ज्यादा गेम खेलने की जरूरत नहीं, केवल एक फिगर लें और केस 2 को लें,
और केवल उसी को साबित कर दें। और किस दो में भी आपने देखा कि थोड़ा लंबा हुआ, कोई जरूरत नहीं, बीच में मैंने बताया था आपको स्टेप को स्मॉल कर सकते हैं, सीधे वहां लिख सकते हैं थर्स परमेय के ऊपर में से। तो एग्जामिनेशन में कम से कम समय लगे और कम से कम लिखना पड़े तो यह तो आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, विषय वस्तु की जानकारी देना भी मेरा फर्ज बनता है, हमारी जिम्मेवारी बनती है, इसलिए हमने अपनी ओर से प्रयास किया ताकि आप विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करें। उम्मीद नहीं, मुझे पूरा भरोसा है कि इस परमेय को आप समझ चुके होंगे। फिर मिलेंगे अगले क्लास में अगले थ्योरम के लिए, तब तक के लिए अनुमति चाहेंगे। जय हिंद।